सबसे पहले मैं तिवारी जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। केदार जी जो बात कह रहे थे ये सच है कि काजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का काम जब उस पीढ़ी ने शुरू किया तो लोकदल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ये तीन प्रमुख राजनीतिक दल थे। भारतीय जनसंघ कुछ लोगों तक सीमित हुई पार्टी थी और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से जनसाधारण तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने में सबसे अधिक योगदान तिवारी जी का रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव उनको स्मरण करेगी। सामान्य जन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बने इसमें तिवारी जी का अविस्मरणीय योगदान रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है देश में, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोटे तौर पर 67% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सच है कि जो आज का वर्तमान नेतृत्व है उसका भी योगदान है, पार्टी के वर्तमान कार्यकर्ताओं का भी योगदान है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे तमाम लोग, तिवारी जैसे लोग और भी असंख्य पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लिप्सा के, ऐसे समय में जब लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य है, एक विचार के लिए काम किया। मैं मानता हूं कि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट पहचान देश की राजनीति में बनी। और आज यदि आप विचार करेंगे तो पूरे देश में जो घबराहट है उसके पीछे का कारण केवल एक है कि इस देश की राजनीतिक ताकतें नहीं बल्कि विदेश की भी कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनके इस देश में न रहे। थोड़ा अगर पीछे आप स्मरण करेंगे, 52 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, एक विचार के साथ देश की राजनीति में हमारी पहली पीढ़ी के लोगों ने काम शुरू किया। 25 वर्षों के संघर्षों के बाद एक समय आया, देश का लोकतंत्र खतरे में था, तय करना था कि पार्टी महत्वपूर्ण है या देश में लोकतंत्र बचाना महत्वपूर्ण है। तो उस समय जनसंघ के नेताओं ने या विचार परिवार ने तय किया कि नहीं, पार्टी रहे या समाप्त हो, देश का लोकतंत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर दिया गया। चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, लोगों को लगता नहीं था कि भारतीय जनसंघ इतनी बड़ी पार्टी है कि 93 लोकसभा सदस्य भारतीय जनसंघ के चुने जाए। लेकिन एक बार जब देश की संसद में 93 लोकसभा सदस्य चुने गए तो मुझे लगता है कि वो बेचैनी का कारण रहा। अगर उस सरकार के कामकाज को आप देखेंगे तो उस सरकार में जो मंत्री थे हमारे भारतीय जनसंघ की ओर से, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो देश मानता है कि सबसे अच्छा काम जनता पार्टी सरकार में जो मंत्री कर रहे थे उनमें, उसमें इन दोनों का स्थान था। लेकिन अनावश्यक विवाद खड़े किए गए, दोहरी सदस्यता का नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की गई और विवश किया गया कि जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ के लोग अलग हो जाए, और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में बनी। लेकिन जरा विचार करिए कि जब चौपाटी में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जो लोग उस समय 50 साल 55 साल के थे, कुछ कम आयु के रहे होंगे, कुछ इससे भी ज्यादा आयु के रहे होंगे, उनकी परिस्थिति पर जरा विचार करिए। परिस्थिति क्या थी? 25 साल काम करने के बाद सत्ता में भागीदारी मिली थी,
जनता पार्टी से बाहर जाकर के एक नया राजनीतिक दल बनाना, विचार के आधार पर पार्टी बनाना और फिर देश की राजनीति में काम करना, स्वाभाविक रूप से यह सम्मोहन किसी के मन में पैदा हो सकता था। फिर वही 25 साल की लंबी यात्रा या उससे भी लंबी यात्रा हमें करनी है, दूर दूर तक विधानसभा, लोकसभा या सत्ता हमें नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि जो पार्टी की असली ताकत हमारी है, जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो 93 के 93 जो लोकसभा सदस्य थे वो तो आए ही भारतीय जनता पार्टी में, सिकंदर बख्त जी जैसे कुछ और लोग आ गए, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ का जो था वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नहीं गया। मैं मानता हूं कि जब उस समय 93 लोकसभा सदस्यों की ताकत को देश के राजनीतिक अन्य विचारधारा के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, तो आज स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली की सरकार भाजपा की, लोकसभा अध्यक्ष भाजपा, 19 राज्यों में सरकार भाजपा की, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए अनेक षड्यंत्र और कुचक्र, उनका जिक्र आज मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे, बिना तथ्य की बातों को कहना, बार बार कहना, एक झूठ को बार बार कहना, ये चलेगा। और मुझे लगता है कि तिवारी जी को असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस दुष्प्रचार का एकजुटता के साथ मुकाबला करें, और जिस उद्देश्य के लिए सत्यनारायण तिवारी जी ने, ऐसे कार्यकर्ताओं ने एक विचार के लिए, एक विशेष राजनीतिक संस्कृति के लिए काम किया है, उस संस्कृति को मजबूत करने के लिए हम भी अपना योगदान दें, मैं समझता हूं यही असली श्रद्धांजलि होगी सत्यनारायण तिवारी जी। स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने में जो योगदान सत्यनारायण तिवारी जी का है, अध्यक्ष जी, प्रभुनाथ जी या अन्य भी वरिष्ठ साथियों से चर्चा हुई थी कार्यक्रम कहीं और किया जाए, लेकिन माता जी की इच्छा थी कि नहीं, इस बार हमारी इच्छा है कि गांव पर ही कार्यक्रम किया जाए, इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। और उनके भावना का सम्मान करना मैं समझता हूँ कि ये हम सबका दायित्व था, इसलिए ये कार्यक्रम हुआ है। लेकिन ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हर वर्ष हो, मैं समझता हूँ, केवल तिवारी जी का ही नहीं, मैंने ऐसे हमारे जो आदरणीय नेता रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर मैं समझता हूँ कि ये परिपाटी चल गई, समाज के लिए काम करिए, सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, अगर आपका परिवार, आपके पुत्र, आपकी पुत्री अगर कोई कार्यक्रम नहीं करती है तो समाज आपके लिए कार्यक्रम करने वाला नहीं है, स्थिति समाज में बन गई। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस संस्कृति से अलग हट करके ऐसे अपने महान नेताओं के लिए निश्चित रूप से एक परिपाटी विकसित करनी होगी कि नहीं, जिन्होंने हमारी पार्टी, हमारे विचार इस जनपद में नहीं देश में मजबूत किया है, उनके लिए सदैव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मानपूर्वक इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। और मैं समझता हूँ कि इसी से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लेंगी, हम तो ले रहे हैं, बाकी के कार्यकर्ता प्रेरणा लेंगे। और जो तिवारी जी की इच्छा थी कि सर्वसुलभ व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध हो, सामान्य आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उसी तरह खुले जिस तरह से अमीर आदमी के लिए खुलते हैं, मैं समझता हूँ ये पहचान भारतीय जनता पार्टी की सत्यनारायण तिवारी जी ने दी थी। और हम सब आज संकल्प लेते हैं कि उस पहचान को पूरी शक्ति से मिल करके हम सब कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक जानकारी देनी, आप सबको मालूम है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आज 4:30 बजे गाजीपुर के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं, और सरोज मिश्रा जो तिवारी जी की पुत्री हैं, जिला मंत्री हैं, जिन 5 या 6 लोगों का नाम चयनित हुआ उसमें सरोज मिश्रा का भी नाम है जिनसे वो आज बात करने वाले हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि समय से आपको यहाँ, मैं समझता हूँ आपकी परिस्थिति, लेकिन आपको समय से वहाँ पहुंचना चाहिए। और बाकी जहाँ जहाँ पार्टी ने व्यवस्था की है, मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप सब वहाँ रहिए, उस कार्यक्रम को सुनिए, क्योंकि कार्यकर्ता को क्या करना है या कार्यकर्ता कैसे काम करता है, मैं समझता हूँ कि यही विषय होगा प्रधानमंत्री जी का, ये जानकारी मुझे देनी थी इसलिए मैं आया।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब मैं इस कार्यक्रम में आभार और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए स्वर्गीय सत्यनारायण तिवारी जी की पुत्री और भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की जिला मंत्री श्रीमती सरोज मिश्रा जी से आग्रह करती हूँ कि आवे और आए हुए सभी अतिथियों का आप आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करें श्रीमती सरोज मिश्रा जी।